Hey guys, what's up? My name is Ketan and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. तो ये वाला वीडियो, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, ये वाला वीडियो मेरे को स्टार्ट करने का मन था ऐसे कि मैं I'm cooking some eggs and एकदम मस्त सिनेमैटिक सा एंगल में मेरा फोन से वीडियो शूट हो रहा है, पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो गया है, देखने में ना मतलब लग रहा है कि मूवी चल रहा है, यशराज फिल्म धर्मा प्रोडक्शन का मूवी चल रहा है। लेकिन सीन क्या हुआ, मेरे को बहुत जोर भूख लगने लग गया एंड मेरे को जब भूख लगता है ना बहुत जोर मैं पागल हो जाता हूँ। तो मैंने मील बना लिया है एंड आधा खा भी चुका हूँ, तो फटाफट आपको बता देता हूँ। ये मेरा प्री वर्कआउट मील है, इसमें 4 पीस ब्राउन ब्रेड, 6 एग्स, 2 होल एग्स एंड 4 एग वाइट्स एंड यूजली मैं 6 पीस ब्रेड खाता हूँ इसके साथ, लेकिन आज 4 पीस ही था, घर में ब्रेड खत्म हो गया, तो आई ऑल्सो एडेड 2 बनानास। तो ये मील अभी फटाक से कंप्लीट करते हैं एंड इसके बाद हम चलेंगे जिम। आज है मेरा लेग डे, आपको वर्कआउट दिखाता हूँ आज मैं लेग्स में क्या करूँगा। क्या है मम्मी? ये बादाम का हलवा बना रहे हैं देसी घी में। बाप रे बाप, ये देखो पूरा फैट। बादाम का हलवा, ये क्या गाजर का हलवा। ये सब इनका रात का खाने का है, डिनर के बाद तुम लोग ही खाते हो। कौन खाता है ये? तुम लोग ही खाते हो। ये डिनर के बाद ये सब खाने का है और ये है मेरा खाना। दिस इज चिकन। जूता, स्लीव्स, रैप्स, कपड़े, मोजा, पानी का बोतल, प्रोटीन। तो भाई 8 बजे मुझे जिम पहुंचना था एंड आज मैंने बहुत कोशिश किया, ठीक है, बहुत कोशिश किया टाइम से जाने का, लेकिन अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। मैं क्या करूं? मैं जरूर आप लोगों को सुनाता कि मैं कौन से टाइप का गाना सुनता हूं जिम के पहले इन माय ड्राइव, क्योंकि ये टाइम बहुत जरूरी होता है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। ये वो सॉन्ग है, लेकिन अगर मैंने इसको प्ले किया तो जो मैं प्लेलिस्ट सुनता हूँ जिम के पहले, मैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। शिट, बहुत भीड़ है आज। मैं कितना लेट आया आज? 15 मिनट्स। 15 मिनट। हाथ में चल, हाथ दिखा, फ्लेक्स कर, पास। कहाँ गया था? अरे जिम में अगर जो नॉर्मल गाना है वो सब अगर बजेगा एंड मैं उसको यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, तो मैनेजर को जाके मेरे को बोलना पड़ता है कि नो कॉपीराइट म्यूजिक चलाओ ताकि यूट्यूब में कॉपीराइट क्लेम ना आए। अच्छा, पहले तो आप ये सब नहीं पहनते थे, अभी क्यों पहन रहे? तो एक इंजरी हो गया था यहाँ पे, तो अभी ठीक हो गया, दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे को रिस्क नहीं लेना है क्योंकि दिस इज ऑल हैवी शिट एंड ये यूज़ करने से ठीक है। मुझे कौन सा कॉम्पिटिशन खेलना है? पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में सब अलाउड नहीं होता है, जो रॉ कॉम्पिटिशन होता है उसमें सब अलाउड नहीं होता, लेकिन मुझे कौन सा कॉम्पिटिशन खेलना है एवरीडे। तो नीज को बचाओ, हैवी स्क्वाट्स मारो। completed squats 3x3 150 kilos. थोड़ा difficult था but super मज़ा आया मार के. And अभी इसके बाद I'm heading to leg presses. क्या हुआ ब्रो? भी इसके बाद कर्ल्स मारेंगे, फिर काफ मारेंगे. देख तो कितना मजा दूंगा. 10 to 10 950 10 मिनट में जिम बंद हो जाएगा. डेली जिम में डेली मैं झाड़ खाता हूँ अपने मैनेजर से, क्योंकि 10 बजे जिम बंद होता है. मैं 10:15 बजे के यहाँ से निकलूँगा. इसके पहले 1-2 हफ्ते पहले तक 9 बजे तक जिम खुला रहता था. मैं 9 बजे का टाइम में भी 9:30 बजे मैं जिम से निकलता था. डेली मैं नाम पे कंप्लेन होता था, सर आपके लिए हम लोग को लाइट एक्स्ट्रा ऑन करके रखना पड़ता है. वो साला खाली हल्ला करेगा, खाली जो आपको भगाएगा जिम से. खाली जब एक्सरसाइज करेंगे भागो भागो हो गया आपका, जाओ जाओ. तो आज एक क्वाड डोमिनेंट डे था, इसलिए स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशंस, हैमस्ट्रिंग का बस एक ही एक्सरसाइज किया. कर्ल्स 3 sets 4 sets शायद. जो नेक्स्ट लेग वर्कआउट होगा इस वीक में उसमें हैमस्ट्रिंग फोकस रहेगा, तो उसमें हैमस्ट्रिंग और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे. कर्ल्स मेरे जिम में वैसे मशीन एक ही है, कर्ल्स का मशीन है. एंड एक और एक्सरसाइज अगर मानना हुआ तो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट ही मार सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है इधर मारने का. एक वो सीटेड कर्ल्स आता है, ये लाइन कर्ल्स, एक सीटेड कर्ल्स आता है, वो अगर होता तो अच्छा होता, बट नहीं है. क्या करें. लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे. एंड ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता. हाँ पता है ये काफ के लिए है, लेकिन बढ़ता तो है नहीं, कभी बढ़ता तो है नहीं, तो फायदा क्या मार के. लेकिन फिर भी मारते हैं. स्लो रेप्स, फास्ट रेप्स, हैवी वेट, लाइट वेट, ये वेरिएशन वो सब मार के देख लिए, ये साला बढ़ने का नाम नहीं लेता. तो ये क्यों कर रहे हैं हमको भी नहीं पता, लेकिन बस मार रहे हैं. अगर आपका काफ्स अच्छा है तो आप लकी हो. माउंट ओलंपस का भगवान आपको ब्लेस किया हुआ है जेनेटिक्स से. तो पैंट ऊपर किया एंड क्वाडजिला बाहर आ गया. देखो थोड़ा वीक है हैमस्ट्रिंग. हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा और काम करना होगा मेरे को. बट क्वाड्स एंड थाइज ओवरऑल लुकिंग गुड. एप्स चेक, एप्स भी है. Physique looking great. So guys, this was it for today. I hope you guys enjoyed this video. Please try this workout. I am 100% sure आपको results आएंगे, आपके legs grow करेंगे. मैंने ये workout किया है काफ़ी महीनों से and result आपके सामने है. My legs have grown a lot and I would highly suggest you do this workout as well. अगर आप power lifting नहीं करते हैं तो squats में आप 3-4 sets ऑफ रेप्स करिए. मैं आज 2-3 रेप, मैं आज 3x3 मार रहा था. वर्कआउट वॉज किलर. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड. एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अभी क्यों बताऊंगा, चूतिया थोड़ी हूँ। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, गो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, मुझसे बातें करो, मुझे मैसेज करो। एंड मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू किया है, सो इफ़ यू वांट ऑनलाइन कोचिंग DM मी। द प्राइसेस आर सुपर अफोर्डेबल, यू गोइंग टू गेट रिजल्ट्स 100% श्योर। एंड अगर रिजल्ट नहीं मिले, मैं पैसे आपको वापस कर दूंगा। दिस इज केतन आहूजा, टेक केयर एंड गुड नाइट।